गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी एक्चुअली दोपहर का वक्त है, मैं सुबह से ब्लॉगिंग नहीं कर पाया क्योंकि मैंने रेस्ट किया था, क्योंकि कल रात को 2 बजे सोया मैंने, उसके बाद वीडियो एडिटिंग वगैरह अपलोड करना पूरा टाइम ही चला गया था। तो यहाँ पे पूरा कैंपिंग में मतलब मस्त सोया हम सभी ने, पूरा इन्फ्लुएंसर लोग सभी लोग। तो अभी जो है एक्चुअली हमारा जो मैम है वो हमें बुला रहे हैं जिप लाइनिंग पे जाने के लिए। तो जेरी वहाँ पे जो है बातें कर रही है अपने घर पे, वो जो है थोड़ी थकी हुई है, वो नहीं जाएगी जिप लाइनिंग पे और उसको मतलब चक्कर भी देती है। तो अभी मैं जाऊँगा अकेला, तो जिप लाइनिंग करके देखते हैं। पहला एक्सपीरियंस है मेरा, अभी फर्स्ट टाइम करके देखते हैं हम भी। तो यहाँ पे कुछ रोप लगा के रखे, आपको अगर मस्ती वस्ती करना है तो आप यहाँ पे ऐसे चल सकते हो ना। और यहाँ पे है जिप लाइन, छोटा सा है, ज़्यादा ऊँचाई पर भी नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा ऊपर में नहीं है। यहाँ पे आज होगी एडवेंचर, देखते हैं। और लंबा भी इतना कम, शायद 100 मीटर समथिंग होगा, वहाँ तक है यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट एंड वहाँ। यहाँ पे एक बंदा आ रहा है देखिए, लेकिन उतना ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई नहीं है, उतना मज़ा नहीं आ रहा है लेकिन। हाँ अभी आया हूँ इस पार दोस्तों, अभी मैं जाऊँगा उधर से, है वहाँ पे है मतलब एंडिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट कुछ यहाँ पे बिल्कुल जंगल के ऊपर में है, जाके देख लेते हैं। हेलो अभी चलते हैं हम भी, ट्राई कर लेते हैं। बाय, होली मोली गाइस, टुडे आई एम जिप लाइनिंग हैपनिंग। इंग्लिश मेकर, सस्ता इंग्लिश मेकर बन गया। बाप रे, इसकी चढ़ाई भी डेंजर है भाई, वाह बिल्कुल पहाड़ों वाली। ओह माय गॉड, कैमरा में आएगा तो आना ही पड़ेगा। ओह माय गॉड, वाह इतना हैवी लोड हुआ है यहाँ पे, गिरेगा तो नहीं ना? वाओ इतना हैवी लोड हो गया यहाँ पे। आप लोगों ने ट्राई किया नहीं क्या? अच्छा, सर्किल का नाम नहीं चेक कर बाहर पे तो। हाय, हेलो हेलो, आया चलो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग के बालों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लाया हूँ, जो कि आता है मामा आर्थ की तरफ से, मामा आर्थ का शैम्पू प्लस कंडीशनर। ये आता है आपका विद गुडनेस ऑफ ऑनियन एक्सट्रैक्ट एंड प्लांट केरेटिन, जो कि आपके बालों को बहुत ही जेंटली क्लीन करेगा, एयरफॉल रिड्यूस होगा और आपके बालों को सॉफ्ट एंड शाइनी बनाएगा। जहाँ तक बात करें हम कंडीशनर की, ये आता है विद गुडनेस ऑफ कोकोनट एंड ऑनियन, जो कि आपके बालों को और भी शाइनी एंड सॉफ्ट बनाएगा। अनलाइक अदर शैम्पू से ये आपके बालों को रफली नहीं बल्कि बहुत ही जेंटली क्लीन करता है। मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ और बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिला है मुझे। द बेस्ट पार्ट इज दोस्तों, ये जो है हर टाइप के हेयर में मैच होता है, जैसे कि आपका हो, मेरा हो, लड़की का हो या किसी के तरह का जेंडर हो। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, मामा आर्थ के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो ऑल आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल लाइक पैराबेन एंड सिलिकॉन, जिससे ये मामा आर्थ का प्रोडक्ट बनता है 100% प्योर नेचुरल। और नेचुरल होने के साथ साथ दोस्तों, मामा आर्थ का प्रोडक्ट जो भी होते हैं वो बिल्कुल प्लास्टिक पॉजिटिव होते हैं, यानी कि जितना प्लास्टिक ये लोग मैन्युफैक्चर में यूज करते हैं उससे ज्यादा ये लोग रिसाइकल करते हैं। और जितने बार आप मामा आर्थ से शॉपिंग करते हो तो ये लोग आपके ऑर्डर को एक 3 से लिंक करते हैं, तो इन लोग का प्लान है कि बाय द 2025 ये लोग 1 मिलियन ट्रीज प्लान करें। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा दोस्तों, ये आप जरूर से यूज करें, मैं भी काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ, बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिला है। ये आपको किसी भी शॉपिंग ऐप पे आसानी से मिल जाएगी, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो या फिर नाइका हो, तो वहाँ से अगर आप शॉपिंग करते हो तो अगर आप मेरा कूपन को यूज करते हो Rupam2022 तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग जाइए, जरूर से शॉपिंग कीजिए और अपने बालों को सॉफ्ट एंड शाइनी बनाइए। तो अभी मेरा जाने का बारी है दोस्तों, दिल धक धक होने लगा है, अभी हेलमेट लगाना है और ये लगाना है, इसे क्या बोलते हैं, बेल्ट हार्नेस। अच्छा, हेलमेट और हार्नेस लगाते हैं, उसके बाद चलते हैं। यहाँ पे पता नहीं मैं इसे मतलब फोन पकड़ पाऊंगा या नहीं, मुझे तो डर लग रहा है अभी से, मैं कांप रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है, इसे लगाना है और नीचे से लगाना है। अरे बाप रे, इनविजिबल चद्दी। ओ बाप रे, अरे बाप रे, तो ये रहा,
सेफ्टी के लिए, सेफ्टी मस्ट नेसेसरी होता है, ये सब चीज़ रिस्क वाला चीज़ होता है, मतलब ये सब बिना हेलमेट का नहीं करना चाहिए। वो भाई दिल धक धक हो रहा है मेरा तो, वो परेश रावल बोलता है ना हेरा फेरी, मेरा तो ऐसा दिल धक धक हो रहा है, वो हो गया मेरा। तो ये लग गया, ओ माय गॉड, एक मिनट, ओके ओके, मैं पहले, हाँ मैं अपना कैमरा पोजीशन पिक कर लेता हूँ, थोड़ा सा आगे, ओ माय गॉड, एक मिनट ना, एक मिनट ना, थोड़ा सा अच्छे से पकड़ लेता हूँ मैं, यहाँ में पकड़ना है ना, ठीक है, 1 2 3 गो, ओ माय गॉड, मजा आ रहा है, वो ये मजा मजा, मजा आ गया, ओ फाइनली पहुंच गया, शुरुआत में डर लग रहा था बट मजा आ गया। वो कहते ना मिर्जापुर में शुरू मजबूरी में किए थे पर अब मजा आने लगा है, अभी अपना सुपरमैन का चड्डी खुल जाएगा। मजा आ गया भाई, स्टार्टिंग में डर लगा था दस्त, अभी हेलमेट खुल गया, लाइफ में पहली बार एडवेंचर कुछ ना कुछ करना चाहिए, अभी तो अभी हिम्मत भर गया, अभी मैं ऊंचा ऊंचा में जो करते हैं ना ऊंचाई में बिल्कुल वो भी कर पाऊंगा, अभी ये तो काफ़ी नीचे में था बट जब आप ये एक्सपीरियंस करोगे ना तो आपको काफ़ी ऊंचा में महसूस होगा, जब आओगे ना उस तरफ में, ऐसे देखने में छोटा लग रहा है, मतलब हाइट छोटा लग रहा है लेकिन असल में जब आओगे तो बहुत ऊँचाई फील होती है। तो अभी यहाँ से चले जाते हैं हम, अभी फिर से मुझे बहुत सारे काम है, मैं बस इसके लिए आया था, थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस लेना चाहता था तो एक्सपीरियंस ले लिया है, अभी जाऊंगा अपने टेंट के पास। दोस्तों अभी अभी मैंने जिप लाइन से आया और जेरी भी यहाँ पे आई है, तो दुकान से हम लोग कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं और यहाँ पे इतने क्यूट क्यूट खूबसूरत खूबसूरत सब्सक्राइबर मिले हैं, थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतना प्यार देते हो हमें, ऐसे ही प्यार बनाए रखना। और हम लोग यहाँ से यहाँ पे पेप्सी एंड मैं पी रहा हूँ रेड बुल, या रेड बुल पी के अभी पावर बढ़ाएंगे, ऑलवेज वेलकम। शाम हो चुके हैं, साउंड सिस्टम वगैरह पूरा ठीक कर रहे हैं अभी, क्योंकि आज आने वाला है अपना रितो रिबा यहाँ पे परफॉर्म करने वाला है, बहुत ही मजेदार परफॉर्मेंस होगी आज। और इधर में अपना कार का ब्रदर जो है ड्रोन उड़ा रहे हैं, यहाँ देखो, वाओ ड्रोन उड़ा रहे हो, ड्रोन उड़ा रहे कैसा है, ठीक है, कल का परफॉर्मेंस तो मजेदार था एकदम, बहुत बढ़िया आपका आवाज एकदम सुरीला, आपको तो इंडियन आइडल में जाना चाहिए। नहीं 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 क्यों झूठ, अरे सच में, अरे लोगों ने देखा है ब्लॉग में, ब्लॉग में डाला है मैंने, इतना सुरीला आवाज। नहीं नहीं अरे आप भी तो ब्लॉग, इसका मतलब आप भी झूठ बोलते हो क्या, नहीं हम भी झूठ नहीं बोलते वैसे। ड्रोन कहाँ पहुंच गया, उधर में पहुंच गया पूरा, ये देखिए ड्रोन का शॉट, ये देखो ड्रोन आ गया सामने पहुंच गया, वाओ वाओ, यहाँ देखिए दोस्तों पूरा ड्रम सेट वगैरह यहाँ पे कल परफॉर्म हुई थी पूरा सलमान अली, और आज यहीं से परफॉर्म करने वाला है रितो रिबा। तो फिलहाल अभी हम लोग जाएंगे फिर से घूमेंगे फिरेंगे, हाँ गाना गाओगे, कौन सा गाना, ये देखो ठक ठुक ठक ठुक ठक, यहाँ पे पूरा माइक वगैरह फिट दिखा, रूपम को लेकिन किसी और लड़की के साथ, घर में जाके ये जूते परवाएगी मेरे पूर्व, चलो फिलहाल चलते हैं। तो अभी हम लोग शाम को थोड़ा सा घूम रहे तो एक्चुअली हमारा कार का ब्रदर जो है वो ड्रोन उड़ा उड़ा के आ रहा है और हम लोग ऐसे ही टहल रहे हैं थोड़ा बहुत ये फील में, और यहाँ पे आगे में ईगो का लोगो है, वहाँ पे कुछ फोटो शूट करेंगे अभी जो भी हो सकता है,
कैसा कैसा पोस्ट दोगे बोलो। हम लोग आए हैं फिर से इस वाले थ्री हाउस में, यहाँ पे चढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे ड्रोन उड़ रहा है कार का ब्रो का, तो ड्रोन साथ कुछ ले लेते हैं यहाँ से। चलो चाओ जेरी, कम ऑन, देखो अच्छा से जाओ, हिल में है थोड़ा संभाल के। ओ माय गॉड, ओ यहाँ से व्यू देखिए, वहां पे देखिए दोस्तों पैराग्लाइडिंग भी हो रही है। एक्चुअली मैं भी पैराग्लाइडिंग करना चाहता था लेकिन बहुत महंगा है यार, 3,000 रुपये है मतलब एक बार मतलब जाने का, तो मैं थोड़ा हिचक गया क्योंकि पैसा तो सेविंग करना ही है ना, तो सिर्फ ऐसे तो उड़ा नहीं सकते, इसलिए थोड़ा 1,000 होने से भी मैं चला जाता, लेकिन मन तो है यार, मन कर रहा है, बस खास पैसे बहुत ज़्यादा होते तो मैं चला जाता। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करेंगे। ओ अभी तीर लगाएगा अपना कार का ब्रदर, चलो मिस हो गया। कम ऑन, कल भी वो थोड़ा देर के लिए, वो वो बढ़िया बट अब नीचे से मरना गाना भाई भी क्या खा नीचे से। एक्चुअली मैं इतना लेट आना नहीं चाहता था आप लोगों के सामने, पर क्या करूं, आना पड़ गया लेट। अमरदा इफ यू आर हियरिंग दिस प्लीज मेरा वोकल सीनियर्स में बढ़ा दीजिए प्लीज यार, आप लोगों का थोड़ा जोश कम पड़ रहा है, ठीक है? फिर वो बैरिकेड आप लोगों को रुका के रख रहे हैं मेरे ख्याल से, आप लोग इससे आगे आ जाएंगे। चलो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सॉन्ग ओके, बिकॉज इट्स ऑलरेडी टू लेट ना, इट्स ऑलमोस्ट 12 नाउ, सो या
दोस्तों जो रितो रिबा है वो जो है परफॉर्म करके चले गए हैं एंड अभी लास्ट में आफ्टर पार्टी डीजे नाइट चल रहा है तो उनसे मिलने का मौका उतना मिला नहीं, बहुत ही बिजी है पूरा, इतना फैन लोग मतलब भीड़ भाड़ ना मतलब उसके सेल्फी खिंचाने के लिए। तो हमने सोचा मतलब ऐसे जाने से ठीक नहीं होगा, पूरा भीड़ के सामने ना ऐसे पूरा सेल्फी सेल्फी ऐसा करने से अच्छा नहीं लगेगा मुझे भी, मतलब क्या बताऊँ, मतलब एक होता है ना फीलिंग अंदर से कि मतलब अच्छा नहीं फील हो रहा है, ऐसा कुछ मुझे भी फील हुआ तो इसलिए मैंने नहीं किया। तो फिलहाल अभी हम सोएंगे क्योंकि आज मतलब अभी तो 2 बजे, रात के 2 बजे है दोस्तों, तो आज ही होगा मुझे 10 बजे हम लोग अभी घर निकलेंगे, तो अभी फिलहाल सो जाते हैं, 2 बजे तो कुछ 2-3 घंटे तक हम लोग सो जाते हैं, उसके बाद उठेंगे फ्रेश अप होंगे, उसके बाद सीधा निकलेंगे हम अपने घर।